हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल आर के ग्री सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अप्रैल में हम ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं कि जिससे कि उधर जो जून जुलाई में जब बारिश पड़ती है तो उसका प्रभाव ना पड़े और आपकी आमदनी चलती रहे कंटिन्यू। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं, जब बारिश अगेती हो जाती है तो आपकी क्या होती है, सब्जी ख़राब हो जाती है, पूरा पौधा सड़ के गल के ख़राब हो जाता है और आपको आमदनी भी नहीं मिल पाती। जैसे भी आपका फल्ला तोड़ना शुरू होता है उसी टाइम बारिश होना शुरू हो जाती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती। तो इसी के लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएं जिससे का कि प्रभाव आपको बारिश का ना देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उसमें से पहली सब्जी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैंगन है। आप अगर बैंगन लगाते हैं तो इस पर बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, हल्की फुल्की बारिश या थोड़ा बहुत होता भी है तो अगर आप पानी खेत से निकल जाता तो नुकसान नहीं होता है। तो आप बैंगन लगाकर बहुत अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। अभी आप पूरे अप्रैल में लगा सकते हैं बैंगन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंगन में बहुत सारी वैरायटी हैं, वैरायटियों पर वीडियो में आप डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं या सर्च करेंगे तो आ जाएगी मेरी जो भी बैंगन की वैरायटी में बताया हूँ। और नेक्स्ट सब्जी की बात किया जाए दोस्तों, तो मिर्च आप लगा सकते हैं। मिर्च पिछले साल तो थोड़ा सस्ता बिका था, लेकिन उसके पहले तो 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो तक मिर्च बिका था। अभी कुछ दिन पहले भी अच्छा खासा रेट मिर्च का था, तो आप मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी हैं, आप उनको लगा सकते हैं। अभी ईगल चल रहा है जैसे, तो ईगल वैरायटी को आप लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी आप आमदनी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात वैरायटी की बात सब्जी की बात किया जाए दोस्तों, तो आप भिंडी लगा सकते हैं। बरसात में आजकल भिंडियाँ बहुत सारी रुक जाती हैं, बारिश होती भी है लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता बारिश का भिंडी पर भी। आप भिंडी की सब्जी को भी लगा सकते हैं और उसके लिए भी वैरायटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं फिर से मैं वैरायटी की वीडियो डाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिर्च भी आप लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल एक सब्जी और चल रही है, बरबटा या बोड़ा, जिसको जो भी बोलते हैं, जिसको काऊ पी इंग्लिश में बोलते हैं, आप उस सब्जी को भी लगा सकते हैं। ये 4-5 सब्जी आप लगा सकते हैं और इसका हमेशा अच्छा खासा रेट होता है। बारिश में आप देख सकते हैं कि 50 रुपये केजी से कम सब्जी नहीं मिलती आपको मार्केट में, तो आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। इन सभी सब्जियों की वैरायटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेंगे कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको बता देंगे कौन सी अच्छी वैरायटी है। आप उस वैरायटी को लगाते हैं तो अच्छी खासी आमदनी होती है। मैं टमाटर और गोभी, पत्ता गोभी की जो भी वैरायटी बताता हूँ, लोग अच्छा खासा उसको देखते हैं और अच्छा खासा उसका मुझे रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो आप इन सबको लगाइए, अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और उसका निजात हम आपको ज़रूर दूँगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।